दुर्ग में करणी सेना प्रमुख की हत्या पर राजपूत करणी समाज के पदाधिकारियों ने जताया है विरोध। कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंप कर प्रदर्शन किया। राजस्थान में कल करणी सेना प्रमुख गुरुदेव श्री गोगा मही की निर्मम हत्या के विरोध में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने दुर्ग जिला मुख्यालय पहुंचकर प्रदर्शन कर विरोध जताया। आपको बता दें कि ये पूरा मामला राजस्थान में हुई करणी सेना प्रमुख की निर्मम हत्या का है। कुछ व्यक्तियों द्वारा उनके घर में घुसकर जिस तरह से उनकी हत्या कर दी गई, इसका राष्ट्रीय राजपूत क्षत्रिय समाज के द्वारा जमकर विरोध किया जा रहा है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना समाज के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के द्वारा जिला मुख्यालय पहुंचकर प्रशासन से मांग की गई है कि जल्द से जल्द हत्यारों की गिरफ्तारी कर उन्हें सजा दिलाएं और ये सुनिश्चित हो कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। वहीं राजपूत करणी सेना द्वारा कहा गया है कि अगर प्रशासन के द्वारा जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो समाज के द्वारा उग्र आंदोलन आने वाले दिनों में किया जाएगा। श्री सुखदेव सिंह जी गोगामणि की जो निर्मम हत्या हुई है, ये हमें पुराने इतिहास की ओर ले जाती है, क्योंकि पुराने समय में लोग धोखे से आते थे और राजपूत राजाओं की हत्या करके, या क्योंकि उनको आमने सामने से हिम्मत नहीं थी उनके पास कि आमने सामने का सामना करके उनको हरा सके। तो क्या वही घटना की पुनरावृत्ति से नहीं दिखाई देती कि लोग आते हैं मदद मांगने के बहाने, उनके घर में प्रवेश करते हैं और फिर उन पर गोलियां बरसाकर चले जाते हैं ऐसी जगह पर जहां समझ में आ जाता है कि अब ये अपनी सुरक्षा करने के लिए तत्पर नहीं हो पाएंगे या अपनी सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। और सुरक्षा के जो मापदंड थे, मैं उसका भी विरोध करती हूँ, क्योंकि सुखदेव सिंह जी गोगामणि पूरे राजपूत क्षत्रिय समाज का नेतृत्व कर रहे थे पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, और वे एक अंतर्राष्ट्रीय छवि बन चुकी थी उनकी, और उनको अगर शांत कराना है तो इस तरह से धोखे से मार दो ताकि क्षत्रिय समाज भी पीछे चला जाए। पर ये एक गलत फहमी थी, हत्यारों की गलत फहमी थी, उन हत्यारों को पनाह देने वाले गैंगस्टरों की गलत फहमी थी, क्योंकि क्षत्रिय समाज इस घटना के बाद अब पीछे जाने वालों में से नहीं है। अब हम उतने ही आंदोलित हो गए हैं, उतनी ही बड़े प्रचंड तरीके से अब हम इस बात का विरोध करेंगे। अभी तो ये हमारी शुरुआत है, अभी हम शासन के प्रशासन से निवेदन करते हैं, क्योंकि कानून का पालन करना भी छात्र धर्म ही है। तो कानून का पालन तो कर रहे हैं, पर यदि कुछ दिनों में हमें इसका रिजल्ट नहीं मिलता तो हम इसके लिए उग्र आंदोलन की चेतावनी देते हैं, और इन हत्यारों को अगर सरकार नहीं पकड़ पाएगी, फांसी नहीं दे पाएगी, तो ढूंढ के मारने का मादा क्षत्रियों में है। पता है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष करणी सेना जी सुखदेव सिंह का निर्मम हत्या उनके घर में घुस करके तीन हमलावरों ने गोली मार दी, और ऐसे धोखे से उनका हत्या किया जाता है, उनके चौखट पे मदद मांगने के लिए पहुंचते हैं और धोखे से उनकी मरण हो जाती है, जबकि आईबी रिपोर्ट बहुत सारे पहले से ही इन पे खतरा था, इनको इनके जान को लेकर के पंजाब सरकार ने पहले ही राजस्थान सरकार को सूचना दे दी थी, इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं है। एक सुरक्षा लिया जाता है फिर उसको हटा दिया जाता है, और जैसे ही चुनाव खत्म होता है इनकी हत्या हो जाती है। कहीं ना कहीं इसमें राजनीति पूरी तरह से इन्वॉल्व है, क्योंकि लोगों का मानना है कि राजपूतों का वोट बीजेपी को जाता है, इसके लिए कहीं ना कहीं पूरे देश में इस मुद्दे को लेकर के राजपूत समाज बीजेपी के अगेंस्ट जाएगी। और मैं बीजेपी से आज वहाँ सत्ता में आई है, आज न कल वहाँ सीएम बनने वाले हैं, मैं उनसे मांग करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके इस पे कार्रवाई करें। अगर एक कार्रवाई करने में सक्षम है तो बिश्नोई ग्रुप को हम लोगों को सौंप दें, इसका न्याय हम खुद कर लेंगे। ग्रैंड सीएन न्यूज के लिए दुर्ग सेना से फारूकी की रिपोर्ट।